Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally Australia is opening for international student. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अपडेट दे दी है. फेसबुक पेज आप देख सकते हैं, स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपडेट किया है कि 85% जो है मोर देन 16 जो अबव वाले हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं. तो अब ऑस्ट्रेलिया जो है आगे चल के ओपनिंग के बारे में स्टेप फर्दर ले चुका है. जी हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of December, कोई दूर नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of December 2021 फुली वैक्सीनेटेड एलिजिबल वीज़ा होल्डर कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट नीडिंग दी अप्लाई फॉर अ ट्रैवल एग्जेम्पशन. अब एलिजिबल वीज़ा होल्डर में आएंगे स्किल्ड वर्कर होते हैं जो प्लस स्टूडेंट्स होते हैं, इवन कुछ कंट्री से विजिटर भी वो अलाउ कर रहे हैं. हालांकि इंडिया से भी पीआर और सिटीजन जो है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उनके पेरेंट्स ऑलरेडी 1st of November से अलाउ कर दिए गए थे, मतलब लिमिटेड वे में विजिटर का ट्रैवल भी स्टार्ट हुआ है. और साथ में अगर बात करें तो 1 दिसंबर से ही जो फुली वैक्सीनेटेड जापान या रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रेजिडेंट होते हैं, जो वहाँ के सिटीजन होते हैं, उनको अलाउ कर दिया है कि उनके पास कोई भी वीज़ा है, जैसे स्पेशली विजिटर वीज़ा भी आप बात कर लें, वो भी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकते हैं. उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में जब बाय क्रिसमस या न्यू ईयर के आसपास इंडिया से भी ये कंडीशन जो है वो लिफ्ट हो सकती है और विजिटर को नॉर्मली ट्रैवल के बारे में एक स्टेप लिया जा सकता है. एक अंदाजे के मुताबिक अगर बात करें तो नियर अबाउट 2 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है और एलिजिबल स्किल्ड माइग्रेंट है या बाकी अब लगा लो वो ऑस्ट्रेलिया में लैंड करेंगे आने वाले 1-2 महीने में. तो क्योंकि इसके साइन पहले मिल चुके थे नवंबर के मिड के आसपास, भी आपने एक वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पे भी मॉरिसन ने कहा था कि जल्दी ही जो ट्रैवल को लेके है वो स्टेप लेने जा रहे हैं. अब ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखें तो वहाँ पे वैक्सीनेशन, क्योंकि फुली वैक्सीनेटेड की बात करें तो वैक्सीन कौन सी प्रूव है इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो वैक्सीन है जिसमें प्रैक्टिकली अगर बात करें जो हमारे यहाँ लग रही है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, तो दोनों ही अप्रूवल लिस्ट में है. तो जिनको कोविशील्ड लगी हुई है वो भी जा सकते हैं, जिनको कोवैक्सीन लगी हुई है वो भी ट्रैवल कर सकते हैं. ये सारी लिस्ट आप ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं. इसके बाद बात आएगी, कई वीज़ा होल्डर होंगे जिनके बच्चे होंगे जो जिनको वैक्सीन नहीं लगी, क्योंकि इंडिया में अभी नहीं लग रही, तो उनके लिए भी एग्जेम्पशन की अरेंजमेंट है, जो वो भी आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं अगर वो 12 साल से नीचे की एज में आते. इवन 12 से 17 वाले भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी उनके लिए भी जो अरेंजमेंट्स है वो गवर्नमेंट ने की हुई है. तो आप अगर ट्रैवल एग्जेम्पशन की नीड पड़ती है तो वो भी आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. वैसे फुली वैक्सीनेटेड के लिए भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं रहा, अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ जरूर रखना. सो ऐसी और अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट आती रहेगी.